सुनहरे पर्वत का राजा। बहुत पहले वहाँ एक अमीर व्यापारी रहा करता था। उसने फैसला किया कि अपना सारा सामान जहाज में लादकर दूसरे देश धन कमाने के लिए चला जाएगा। पर अफसोस, वो डूब गए और उसे निर्धन बना दिया। उसके पास बस उसका छोटा बेटा ही बचा रहा और केवल उसकी जमीन बाकी बची थी। एक शाम वो अपनी जमीन पर गया आराम करने को। वहाँ उसके पास एक काला बौना आया जिसका नाम था मैनिकिन। दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हो गया है जो तुम्हारा दिल इतना दुखी है? मैंने अपना सारा धन गंवा दिया है, मुझे अपने बेटे की फिक्र है। तुम जो भी चाहो तुम्हें मिल जाएगा, और आज से 12 साल बाद जब तुम घर जाओगे तो जो पहली चीज तुम देखोगे वो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। मैं राजी हूँ। व्यापारी खुशी खुशी घर आया। उसका बेटा पीछे से आया और उसके पैर पकड़ लिए। अब वो समझा कि बिना सोचे उसने क्या कर दिया। उस पर भय छा जाता है। वो अटारी पर जाकर धन के संदूक को जांचता है और उससे वो बिल्कुल खाली मिलता है। उसे सोचकर राहत मिलती है कि पैसा नहीं आया तो वो उसे अस्वीकार कर देगा जब वो आएगा। फिर भी वो अटारी पर कुछ दिन के बाद लौटता है और पाता है कि वो संदूक सोने से भरा हुआ है। अब वो पहले से भी कहीं ज्यादा धनवान बन जाता है। 12 साल बाद वो तारीख आती है जब उस व्यापारी को अपने बेटे को उस बौने को देना होता है। बेटा, मुझे तुम्हें एक बुरी खबर देनी होगी, एक खराब काम जो मैंने किया है। पिताजी, आप चिंता ना कीजिए, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। उससे पहली रात को उसके बेटे के पास एक जादू की परी आई थी जिसने भविष्यवाणी की थी कि वो एक बड़ा खजाना पाने वाला है और उसे पाने के लिए उसे क्या करना होगा। ये जानकर वो अपने पिता को उसी जगह ले जाता है जहाँ उसे बौने को दिया जाना था। वो अपने पिता को बिठाकर उनके इर्द गिर्द एक घेरा बना देता है। बौना प्रकट होता है और अपने दावे की मांग करता है। एक जादू की शक्ति बौने को रोक देती है उस घेरे में आने से। हे प्रिय बूढ़े व्यापारी, तुम मेरे लिए जो लाए हो वो मेरा है, अब उसे मुझे सौंप दो। क्षमा करना मेरे दोस्त, ये मेरा बेटा है और इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। झूठे, तुमने मुझसे वादा किया था। मेरे दोस्त, अगर तुम कहो तो मैं इसका एक हल सुझा सकता हूँ। बौना और पिता पुत्र एक समझौते पर पहुँचते हैं। वो फैसला करते हैं कि हाइजल को एक नाव में रखा जाए जिसे उसके पिता समुद्र में धकेल देंगे, ताकि लहरें चाहें तो उस तैरती नाव के भाग्य का फैसला करें और उसके साथ हाइजल का भी। कुछ दूर बह जाने के बाद वो नाव एक तूफान में फंस जाती है और उलट जाती है। व्यापारी को बहुत दुख होता है अपने बेटे को खोकर। बौनी को बहुत तसल्ली होती है अपना बदला लेकर। दोनों मुड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। फिर भी छोटा हाइजल बच जाता है क्योंकि वो बहती हुई नाव पर तैरता रहता है, जो कुछ दिनों बाद एक अजनबी से किनारे पर पहुंचती है जहाँ एक बड़ा सा महल है और एक सुनहरा पर्वत है। छोटा हाइजल उस महल में प्रवेश करता है और उसे खाली पाता है। उसकी खुशी निराशा में बदल जाती है जो वह हर कमरे में किसी को ढूंढता है। अंत में उसे मिलता है एक सफेद कुंडली मारकर पड़ा हुआ सांप। वो डर जाता है। हेलो यात्री, मैं हूँ राजकुमारी नुआडा। मैं इस जादुई शाप में फंसी हुई हूँ जिसे तोड़ा जा सकता है यदि तुम 12 आदमियों की यातना सह सको जो यहाँ अंधेरे में आते हैं। तुम्हें इसे 3 रातों तक बर्दाश्त करना होगा और ये जादू का श्राप टूट जाएगा। मैं अपने मनुष्य रूप में वापस आ जाऊंगी और तुम्हें बहाल करूंगी तुम्हारे अपने रूप में, और तुमसे शादी कर लूंगी, और हम अपनी प्रजा को वापस लाएंगे ताकि हम राज्य कर सके सुनहरे पर्वत के राजा और रानी बनकर। हाइजल राजी हो जाता है। वो आदमी आते हैं और उसे मारते हैं। वो जादुई श्राप भंग हो जाता है। राजकुमारी इंसान बन जाती है। वो हाइजल को सुध में लाती है। जैसे वो एक दूसरे से शादी करते हैं, प्रजा वापस आती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत बालक को जन्म देती है। 7 साल के बाद हाइजल को अपने पिता का ख्याल आता है और वो उन्हें देखने की इच्छा करता है। वो अपनी रानी को बताता है,
जिसे भविष्य में बहुत बड़ा दुख दिखता है यदि वो वहाँ जाता है तो। फिर भी हाइजल उसको इतना मजबूर करता है कि वो मान जाती है और उसे एक वरदान प्राप्त अंगूठी देती है और एक शर्त रखती है। तुम्हें कभी भी मुझे और मेरे बेटे को लाने की इच्छा नहीं करनी होगी। हाइजल मान जाता है, अपनी आँखें बंद करता है और कामना करता है कि वो अपने पिता के शहर पहुँचे। वो अपनी आँखें खोलता है और खुद को अपने पिता के शहर में पाता है। हाइजल को शहर में नहीं आने दिया जाता उसके कपड़ों की वजह से। वो एक चरवाहे से सौदा करता है और अपने पिता के घर पहुंचता है। वो अपने पिता को ढूंढता है और कहता है, पिताजी, ये मैं हूँ, हाइजल। मेरा पुत्र बहुत साल पहले मर गया है, मैंने उसे मरते हुए देखा था। पिताजी, मेरी निशानी देखिए, मैं आपका पुत्र हूँ और मैं एक सुदूर प्रदेश का राजा हूँ। मेरी एक रानी है और एक बेटा है। तुम मेरे बेटे हो और तुम कोई राजा नहीं, तुम तो एक चरवाहे हो। और अब तुम्हारा परिवार कहाँ है? रानी आती है पर वो बहुत नाखुश है। वो गुस्से में है पर शांत बनी रहती है। वो इंतजार करती है। हाइजल उसे उसी तट पर ले जाता है जहाँ से उसकी नाव छोड़ी गई थी। वो अपनी प्रिया की गोद में आराम करता है। जब रानी अंगूठी वापस लेती है और अपने महल में अपने बेटे के साथ पहुँच जाती है, हाइजल जागता है और जान पाता है कि क्या हुआ था। उसे लगता है कि वो अपने पिता के पास वापस नहीं जा सकता क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो वो फैसला करता है अपने परिवार तक पहुंचने का और रास्ता ढूंढने का। दूर कहीं तीन दानव अपनी विरासत के लिए लड़ रहे थे, तीन चीजों के लिए। एक चोगा जो दृश्य कर देता है, एक जोड़ी जूता जो जहाँ चाहे ले जाता है, और एक तलवार जो हुक्म देने पर सर काट देती है और वो हर एक को मार सकती है सिवाय हुक्म देने वाले के। बहुत दिनों की खोज के बाद हाइजल यहाँ पहुँचता है और इन तीन चीजों को देखता है। वो उन तीनों से कहता है कि वो इस विवाद को सुलझा सकता है। वो चालाकी करता है, दानवों से कहता है इन्हें जांचने के लिए पहनना होगा और एक एक करके उन्हें पहनता है और गायब हो जाता है। वो सुनहरे पर्वत के तट पर पहुंचता है और देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा जश्न है। वो चोगा पहनता है और भीड़ में घुस जाता है और पता चलता है कि उसकी रानी किसी और से शादी कर रही है। वो बहुत गुस्सा होता है। हाइजल चोगा पहनता है और बड़े ही से डाइनिंग हॉल में पहुंचता है जहाँ समारोह चल रहा है। वो रानी को सबक सिखाने का फैसला करता है और उसके खाने की थाली और पेय को झपट देता है हर बार जब वो खाने की कोशिश करती है। रानी चिंतित होती है और परेशान हो जाती है। वो उठती है और हॉल छोड़कर चली जाती है जहाँ वो रोती है ये सोचते हुए कि क्या हुआ। जब हाइजल पहुँचता है और अपना चोगा उतारता है, रानी उसे देखकर चौंक जाती है पर राहत महसूस करती है। हालांकि हाइजल गुस्से से भरकर उठा पटक करता है और उस पर चिल्लाता है, चीजें फेंकता है और उसे रुलाता है। उसी गुस्से में वो हॉल में आता है और फिर जोर से चिल्लाता है, इस सुनहरे पर्वत के नीचे रहने वाले मेरे प्रजाजन, मैं वापस आ गया हूँ और ये शादी रद्द की जाती है। हालांकि उसका मजाक उड़ाया जाता है रईस और उन लोगों द्वारा जो उस पर हंसते हैं। गुस्से में आकर वो अपनी तलवार लहराता है और चिल्लाता है, सभी सर कलम हो सिवाय मेरी। तलवार का जादू काम करता है और सभी जिनमें प्रिय रानी और बेटा भी शामिल है नष्ट हो जाते हैं। वो जान लेता है कि उसने क्या किया है। किसी भी तरह का लालच और गुस्सा अपने परिवार की कुर्बानी देने के काबिल नहीं है। वो रोता है और जाकर अपने सिंहासन पर बैठता है एक अकेले सुनहरे पर्वत के राजा के रूप में। कहानी खत्म।